गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में दूसरा प्रकरण आज से चालू कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्या है। बराबर, तो पूर्ण संख्या है जो है यानी कि वो प्रकृति में से जो हमको संख्याएं मिलती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्रकृति में से कौन सी, तो जो प्राकृत संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो पूर्ण संख्या यानी कि जो हम गिनती लिखते हैं, गिनती तो आती होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 100 तक, 1000 तक, 1,00,000 तक जो गिनती लिखते हैं जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बराबर, तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है उसमें पहला टॉपिक है पूर्ववर्ती और परापरवर्ती। बराबर, तो पूर्ववर्ती जिसको हम पहले हम बोलते थे कि जो संख्या लिखी होगी उसके आगे वाली संख्या, आगे वाली यानी कि जो उसके पहले आ गई हो, हाँ पूर्व यानी कि जो पहले आ गई हो, और परवर्ती यानी कि उसके बाद वाली संख्या। बराबर, जैसे पूर्ववर्ती है, हाँ क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है जिसमें उसको हमको लिखना है। जैसे हमको कोई संख्या दी है जैसे कि 15 है, तो हमको क्या करना है, उसमें से एक घटाना है। क्या करना है, उसमें से एक घटाना है। तो हमारी संख्या जो मिलेगी 15 से एक गया तो 14, तो ये क्या बनेगी, पूर्ववर्ती संख्या। समझ में आया, यानी कि पूर्ववर्ती लिखना है तो उसमें से एक घटाना है। और उसमें से एक और माइनस करेंगे, जो आंसर बचता है वो
फिर 10,000 में से एक जाएगा तो 9,999 और 9,999 में से एक जाएगा तो क्या होगा 9,998। ये तीन संख्याएं जो है वो दूसरे प्रश्न का आंसर है। फिर प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन दिया है जिसमें हमको बोला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो शून्य यानी कि जीरो। शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चौथा, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच में जो मैंने सिखाया था आपको कि 32 और 53 दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है और उसमें से एक और माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 53 माइनस 32 माइनस 1, जो भी आंसर आता है वो उतनी बीच में पूर्ण संख्याएं हैं। 53 में से 32 जाएगा तो 21 और 21 में से क्या है तो 20, तो ये 20 पूर्ण संख्या है, बराबर। फिर प्रश्न नंबर 5 है, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रश्न लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी, जगह बचेगी नहीं तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा और यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रश्न लिखना नहीं। आप जब कॉपी में लिखो तो प्रश्न लिखो और आंसर लिखो, प्रश्न लिखो आंसर लिखो, कैसा करना है। फिर प्रश्न नंबर 5 के पर्यवर्ती संख्याएं लिखिए, क्या लिखना है, परवर्ती में क्या करना था, उसमें एक जोड़ना था। तो ये प्रश्न है, अब उसमें एक जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक का इसके साथ ही जोड़ होगा क्योंकि ये इकाई का अंक है और वो भी इकाई का अंक है, इसलिए उन दोनों का जोड़ हो जाएगा, बाकी आगे वाली संख्या वैसे की वैसी होगी, 702 हो जाएगा। ये हो गई परवर्ती संख्या, यानी कि सभी में बाकी जो है बी सी डी इन सभी में एक ही जोड़ते जाना है और आंसर लिखना है। छठा प्रश्न जो है वो है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती प्रश्न 6 जो है वो पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती में क्या करना है, उसमें पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, माइनस 1 करना है, जिसमें पहला है 94। तो 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो उसमें से एक को घटाएंगे तो आंसर आएगा 93। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी है उसमें से एक को घटाना है। फिर नंबर 7 है जिसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये निशानी करनी है, ऐसी निशानी या ऐसी निशानी, दोनों में से कोई एक, यानी कि जो भी योग्य लगे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है उसके हिसाब से आपको निशानी करनी है। जिसमें नंबर 1 दिया है कि 530 और दिया है 503, आपको दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी लगती है उसके हिसाब से आपको निशानी लगानी है। जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने मुंह खुला होगा, इसका इसका मुंह खुला है, इसका मुंह इस तरफ खुला है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके उस तरफ संख्या यानी कि उसका मुंह बड़ा होगा, यानी ऐसे होगा, समझ में आया। जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ 2 होने होंगे और जो छोटी होगी उस तरफ 3 रहेगा। तो ऐसी चारों की चार संख्या में देख लेना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी, और यहाँ पे 98 में सही और गलत लिखना है, सही गलत आपको करना है, वो संख्या अच्छी तरह से पढ़ के फिर आपको उसमें से सही गलत करना है।